ओम गुरुभ्यो नमो ओम गम गणपतये नमो ओम उन्मते नमो ओम रम रामाय नमो ओम मातेश्वरीये नमो नमः ओम मातृपित्र चरण कमलेभ्यो नमो नमः। आप सभी महानुभाव को मेरा प्रणाम। कई सारे लोग प्रेशर दे रहे, प्रश्न कर रहे हैं कि राहु केतु का अभी तक वीडियो नहीं आया। नहीं आया, ये राशिफल वाइज फल कथन बड़ा सहज है। जो जहां बैठा है उसी के अनुसार फल बोल दो। मेष राशि का द्वादश में जाएंगे तो द्वादश फल होगा। लॉस हाउस में जाएंगे, लॉस करेंगे, खर्चा करेंगे, और वो कोर्ट कचहरी माली मकदमा बढ़ा देंगे, यात्राओं को बढ़ा देंगे। वृष राशि का लाभ स्थान में जाएंगे तो लाभ बढ़ा देंगे, तो बड़े भाई इत्यादि से सब फायदा हो जाएगा। मिथुन राशि का दशम में जाएंगे, राहु जिसका दशम में दुनिया उसका बस में। कर्क राशि का नवम स्थान भाग्य स्थान में जाएंगे तो झूठा बाबा बना देंगे, पिता को भ्रम बनाएंगे, थोड़ा सा रोग इत्यादि होगा आपको चालाक चतुर बना देंगे। और सिंह राशि का अष्टम स्थान में जाएंगे तो बहुत सारे गाढ़ा मुर्दा उखाड़ेंगे, ऑकल्ट में रुचि कराएंगे, अचानक धन प्राप्ति करा देंगे। कन्या राशि का सम सप्तक होगा, सप्तम में जाएंगे, दाम्पत्य जीवन में ज्यादा भोग बढ़ाएंगे, बिजनेस को बढ़ावा दे सकते हैं, और पति पत्नी दाम्पत्य जीवन में प्रॉब्लम आ सकता है, तनातनी हो सकता है, यात्राओं को बढ़ा सकते हैं। तुला राशि का छठा में जाएंगे, रोग रिपूर्ण को दमन करेंगे, भ्रम जनित रोग देंगे, चैलेंज कंपटीशन में जिताएंगे, नौकरी और नया नौकरी मिला देंगे। वृश्चिक राशि का पंचम में जाएंगे तो प्रेम प्यार में दगाबाजी धोखाबाजी हो सकता है। धनु राशि का चतुर्थ में जाएंगे तो घर से भिन्नता कराएंगे, ब्लड प्रेशर को बढ़ाएंगे, मानसिक तनाव को बढ़ाएंगे। मन में धनु राशि का चतुर्थ स्थान मन, माता भूमि भवन वाहन माता सुख मन, तो गाड़ी भी खरीदवाएंगे, जमीन भी खरीदवाएंगे, और वहां पर पॉलिटिक्स और कूटनीति करा के ठगवाएंगे। माता का स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहना। मकर राशि का तृतीय में जाएंगे, राजयोग बनाएंगे, पराक्रम का बुद्धि कराएंगे, छोटे डिस्टेंस का यात्रा बढ़ाएंगे, छोटे भाई बहन के माध्यम से धोखा होना, पड़ोसी के माध्यम से धोखा होना, मित्रों के माध्यम से धोखा होना, और सहायता भी पाना, मित्र वर्ग बढ़ेंगे। कुंभ राशि का द्वितीय में जाएंगे, अचानक धन प्राप्ति और कुटिलता भरा बात हो सकता है। मीन राशि के लग्न में जाएंगे, भय भ्रम भूल भटकाव भकुआ बुद्ध बनाएंगे। ऐसा राशिफल, और क्या, बड़ा आसान है। तो ऐसा राशिफल चाहिए तो हर राशि का बना देंगे, लेकिन हम थोड़ा बनाते हैं हटके, तो इसीलिए मेरा थोड़ा लेट होता है। बड़ा गहनतम सोच करना पड़ता है, और हर आदमी का मेरे पास रिपोर्ट है, प्रीवियस रिपोर्ट को लगाते हैं, और उसके बाद जाके हम राशिफल कथन करते हैं। लेकिन नक्षत्र वाइज फल कथन थोड़ा सा पिकुलियर रहता है, तो इसमें मैं आप सबको, ये तो धड़ल्ले से सबसे सुन रहे हैं, कोई अच्छा बोलेगा, कोई नेगेटिव बोलेगा, कोई पॉजिटिव बोलेगा, तीसरा का राहु को बेस्ट कहेंगे, दसरा दशम का राहु को बेस्ट कहेंगे, एकादश का राहु को बेस्ट कहेंगे, छठा का राहु को बेस्ट अच्छा फल बता देंगे, बाकी सारा राहु अच्छा नहीं बताएंगे। लेकिन ये बेसिक भूल भुलैया है, हम भी करेंगे, आप भी सुन लेना, हम भी ऐसे ही फल करेंगे, लेकिन वो बेसिक फल है। टेक्निकल फल कैसा होगा सुनो। सबसे पहले बात करते हैं नक्षत्र वाइज। अपने जन्म नक्षत्र को पकड़ो, जिस नक्षत्र में आपका चंद्रमा है। राहु क्या करेगा? एक, राहु जन्म राशि की, अच्छा संस्कृत में बोलने से पगलाओगे, जन्म राशि द्वादश राशि, राशि से गिनना बारवां राशि, बारवां सॉरी जन्म राशि जन्म नक्षत्र से 12th द्वादश नक्षत्र, पंचम नक्षत्र, अष्टम नक्षत्र, नवम नक्षत्र, चतुर्थ नक्षत्र, द्वितीय और सप्तम नक्षत्र में होने से धन क्षय होता है। ये पहला प्रेडिक्शन देख लेना।
गिन लेना अपने आप, एक एक क्षेत्र का बोलूंगा तो 2-4 दिन लग जाएगा, सबका नहीं बताया जा सकता, आप गिन लो। अभी रेवती नक्षत्र में राहु जाएंगे तो रेवती नक्षत्र आपके नक्षत्र से कितना दूर जाता है गिन लो। नक्षत्र चक्र सबको बताया था बनाने के लिए, सबको बोला हूं या नेट से ढूंढ लेना, और जिनको नक्षत्र फल याद है, ये जैसे यहाँ रेवती नक्षत्र होगा तो ये यहां पर राहु जाएंगे, तो जिसके लिए दुई होगा, तो किसके लिए दुई हो रहा है, ये उत्तर उत्तर भाद्रपद द्वितीय नक्षत्र हो रहा है, नॉट गुड। उसके बाद द्वादश, यानी द्वादश किसके लिए होगा, 12th नक्षत्र गिनना है। यहां 9 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, ये मूल नक्षत्र से 9 हो गया, 10 11 12, तो विशाखा नक्षत्र से द्वादश आएगा, गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। राहु जब मीन में जाएंगे तो ये विशाखा नक्षत्र जो इनका है, द्वादश नक्षत्र पड़ा तो धन क्षय। अच्छा, उसके बाद कौन सा नक्षत्र बताता है, पंचम नक्षत्र। पंचम किसका पड़ेगा थोड़ा सा देख लेते हैं, तो 1 2 3 4 5 मकर धनिष्ठा कुंभ धनिष्ठा से पंचम, 1 2 3 4 5 धन क्षय करवाएगा। अच्छा, उसके बाद पंचम के बाद अष्टम नक्षत्र, तो अष्टम फिर गिन लेते हैं रेवती से, 1 2 3 4 5 6 7 8, आठवां नक्षत्र धनुराशि, धनुराशि में आ गया पूर्वाषाढ़ा धनु, इनके लिए धन क्षय बनेगा। उसके बाद नवम नक्षत्र, नवम नक्षत्र हो गया मूल नक्षत्र, धन क्षय कराएगा। और उस नक्षत्र में जितना दिन, ऐसा नहीं कि 6 महीना रहेगा तो 6 महीना ही धन क्षय करेगा, लेकिन अल्टरनेटली धन क्षय करेगा। नवम चतुर्थ और द्वितीय चतुर्थ फोर्थ, तो 1 2 3 4, ये बनता है शतभिखा कुंभ राशि का, तो इनके लिए धन क्षय बता रहा है। अच्छा, और क्या फल बताता है थोड़ा सा, नेक्स्ट है शत्रुनाश, इन्हीं का जिन जिन नक्षत्र बोला, धन क्षय कराएगा, शत्रु नाश करवा देगा, जो भी शत्रु हैं या तो प्रलयम जानती दूर भाग जाएंगे या फिर नाश हो जाएंगे, शत्रु नाश। नेक्स्ट नेगेटिव फल क्या बोलता है, बहु कार्य हानि, बहुत सारे कार्यों में ये पहला नक्षत्र आपको हानि कराएगा, लेकिन जब आगे चले जाएंगे तो उसका फल अच्छा हो जाएगा। थोड़ा सा रोग हो सकता है, और प्रवासो बहुत सारे जगह में यात्रा देगा, और इन नक्षत्र वालों को मृत्यु भय, झूठा भय, ये सब सच नहीं होगा, मृत्यु भय और अग्नि भय रेवती नक्षत्र में राहु आने के बाद। अच्छा, आप बोलोगे ये बाकी नक्षत्र को क्या करेंगे, बाकी नक्षत्रों को भी ऐसे ही गिनती करना है, जैसे ये रेवती नक्षत्र, रेवती नक्षत्र किसका नक्षत्र हो गया उसको देखना है, रेवती नक्षत्र बुध का नक्षत्र है, तो आप लोग जो इधर वाले हो यहां से गिनना है, किससे, अश्लेषा से गिनोगे, और इधर से ज्येष्ठा से गिनोगे, ज्येष्ठा से जो पीछे पीछे पड़ रहा है, तो पूरे भौचक्का में जितने सारे नक्षत्र हैं, मैं एक साइड का गिना दिया, बाकी आप लोग सीख लेना, आपके लिए सहज है, नहीं सीख पाओगे तो बोल देना, एक एक करके सबका बना दूंगा। ये बेसिक राहु का जो फलित कैसे करना है नक्षत्र वाइज उसको बता दिया, ऐसे केतु का कैसे फलित करना है दूसरा वीडियो में बता दूंगा, कि आपको सहज हो, ताकि आप ये जो राशि फल के कुचक्र में नहीं पड़ो, ये नक्षत्र फल है और इसमें डरना नहीं है कि ऐसा हो जाएगा तैसा हो जाएगा, ये किताब वाइज है। लेकिन इस समय ये जो नेगेटिव फल है ये गुरु के आधार पर निर्भर करेगा और नक्षत्राधिपति के आधार पर। इसमें एक बड़ा सूत्र है, राहु केतु का फल फल फलित जिस नक्षत्र में है उसके नक्षत्र लॉर्ड के आधार पर होता है। ये कभी नहीं बोलिए कि इस राशि में बैठा है तो ये फल हो जाएगा, नहीं, मैं भी करूंगा आप लोगों का शांति के लिए,
लेकिन मैं थोड़ा सा टेक्निकल लेवल पे करूंगा और थोड़ा टाइम लूंगा, कोई हड़बड़ी नहीं है अभी, और 2 महीना मतलब सितंबर अक्टूबर तक बाकी है। मैं इसके ऊपर और थोड़ा गहनतम रिसर्च कर रहा हूँ, तो जिस रिसर्च को मिला तो उसी हिसाब में मैं आपको फलित कर दिया, राहु का फल और केतु का अलग एक ठो बना दूंगा। तो जिस तरह से है आपको उसका उल्टा गिनते गिनते जाना है। बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, नहीं समझ में आएगा तो आप बोलना, एक एक का डिटेल कर दूंगा मैं, ठीक है। और नक्षत्र फल जन्म संपद विपद क्षमा प्रत्यारी साधक बाधक तो ऑलरेडी बताया हूं, उसके प्रकार एक फल होगा और ये एक प्रकार का फल होगा। जैसे बताते हैं शनि से 25वां नक्षत्र बुध बनाता है, ऐसे ही राहु से द्वादश नक्षत्र और द्वितीय नक्षत्र जिस नक्षत्र में वो है, और आपका जन्म नक्षत्र से राहु का स्थिति को देखना है, ये फलित करना है। दिस इज नेगेटिव फल, और पॉजिटिव फल का अलग एक वीडियो बनाऊंगा। इसमें डरना नहीं है कि धन का नाश हो जाएगा, कार्य भ्रष्ट हो जाएगा, इट डिपेंड अपॉन दैट नक्षत्र लॉर्ड। लेकिन ये बेसिक फल है राहु का, ये गोचरीय फल है, क्लियर। ये दूसरा है कि इस समय आपको क्या राहु का महादशा चल रहा है, या रेवती नक्षत्र का जो लॉर्ड है बुध का महादशा चल रहा है, तभी फलित करो। नहीं है तो इसका प्रभाव और घट जाएगा, इसलिए और चिंता नहीं है। लेकिन इस समय अगर आपको राहु का महादशा चल रहा है या बुध का महादशा चल रहा है, तब ये राहु 6 महीना तक आपको सीवियर फलित करेगा। नहीं तो ऐसे गोचर फल जितने सारे बोलते हैं सब घटने लग जाता तो फिर हो गया कमाल, सब हम ही लोग बोले, फिर कुंडली विश्लेषण का तो कोई विषय नहीं रहा। तो ये जो भी गोचरीय फल हम लोग बोलेंगे या बोल रहे हैं, इसमें आपको भयभीत होना, खौफ खाने का कोई आवश्यकता नहीं है, ये बेसिक फल है। कार्य हंतारम माने क्या, सबका काम नाश हो जाएगा? नहीं, सबका काम नाश नहीं होगा। जैसे हम बोले शनि सूर्य का समसप्तक कार्य हंतारम योग, मंगल शनि का समसप्तक परग्रहे निवास, क्या सब मकर वाले और सिंह वाले गए थे दूसरे के घर में रहने के लिए? नहीं, कुछ किनका, जिनके कुंडली में ये दोनों में से किसी एक दशा हुआ हो, तो और उसको कुंडली फलित करता हो, तो ये तो जनरल फल हो गया। जनरल फल आपका जानकारी के लिए बताया जा रहा है कि ये हो सकता है बाबू, सावधान रहना, इसका मतलब होगा, इसका गारंटी, और ठिप्पा मार के कोर्ट पेपर में साइन मार के नहीं दे रहे हैं। इसलिए जो भी राशि फल आपके समक्ष में आता है, चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव, उसमें बहुत ज्यादा पैनिक होने का आवश्यकता नहीं है। अरे ऐसा बोल दिया, नहीं, मैं नक्षत्र फल को मिलाता हूँ, नवांश को मिलाता हूँ, फिर कौन से नवांश में जाएगा उस समय राहु, ये सब बोलने के बाद प्रेडिक्ट करता हूँ। तभी फिर आप लोग बोलते कि आप बोले थे चोरी होना तो हो गया, मोबाइल गिरेगा, गिर गया, चोट लगेगा, लग गया, पैर में लगेगा, बोले थे लग गया, इसी से मिलता है। तो क्या सबको लग गया? नहीं, उस समय जिसका दशा अंतरदशा उसके लिए सुइटेबल है उसको लगता है। क्लियर, राहु का फलित हो गया, शॉर्टकट में बताया। लंबा बोलोगे तो फिर बोलोगे बड़े लंबे लंबे हाँकते हो गुरु जी, फिर और समस्या छोटा करो। तो जितना छोटा हो सके, आजकल मैं छोटे के ऊपर काम कर रहा हूँ कि आपको इजीली समझ में आ जाए, और जिनको नहीं समझ में आए नीचे कमेंट कर देना, मैं कोशिश करूंगा कि आपको इसके ऊपर और कर दें, क्लियर कर दें। तो ये था राहु का, और केतु का थोड़ा सा अलग फल होता है, और इसमें राहु केतु मीन में आ जाएंगे। हाँ, बहुत कुछ परिवर्तन होगा, गुरु शुद्ध साफ हो जाएंगे, इसमें बहुत कुछ परिवर्तन होगा। और सबसे पॉजिटिव रिजल्ट तो रुका हुआ धन प्राप्ति का, दोनों नक्षत्र पद बता रहे हैं, तो वो एक पॉजिटिव साइन है। इसमें हम लोग अध्ययन करते रहते हैं ना, आप लोग जब प्रश्न करते हो कि रुका हुआ धन दोबारा मिलेगा कि नहीं गुरु जी, और जो भाग गया है, जो लोन में डूब गया है, वो वापस आएगा कि नहीं, ये है उसका, यही रिसर्च है कि हाँ जब गुरु इस नक्षत्र में चलेंगे, क्या बोलते हैं उसको, हाँ रोहिणी में चलेंगे, ना ना रोहिणी नहीं, अश्विनी कृतिका में चलेंगे, तो रुका हुआ धन प्राप्त होता है।
शनि जब ये सतभिसा को छोड़ेंगे और उसमें पूर्व भाद्रपद में जाएंगे तो डूबा हुआ पैसा वापस करवाते हैं, तो क्या सबको हो जाएगा? नहीं, लेकिन कुछ का तो होगा जरूर। ये नक्षत्र फल के अनुसार फल है। धन्यवाद, नमस्कार।